हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी आईक्यू चैनल। आज बात करते हैं प्रेसिडेंट के वीटो पावर्स के बारे में कि प्रेसिडेंट के पास एज द सुप्रीम अथॉरिटी ऐसे कौन से पावर्स हैं जिनको वो अपने डिस्कशन पे यूज करते हैं और जिनमें अगर किसी भी तरह का इलीगल कोई लॉ आ रहा है तो वो उसे अपने लेवल पे ही रोक सकते हैं। ना ये चीज आपको पता होगा कि जब पार्लियामेंट में कोई भी बिल का ड्राफ्ट प्रेजेंट होता है, देखो ऐसा होता है कि किसी भी एक मिनिस्टर ने या फिर प्राइवेट मेंबर ने, किसी भी एमपी ने एक प्रपोजल दिया, एक बिल का एक ड्राफ्ट जो है वो सदन में प्रस्तावित करा। अब सदन में उस पर चर्चा होगी, सदन में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पे उस पर चर्चा करी जाएगी, उसमें कमेटी बिठाई जाएगी, उसमें अमेंडमेंट करे जाएंगे, फाइनली वो जो ड्राफ्ट है वो बिल बन के पास हो जाएगा। अब ये बिल जो है, जो सदन ने, लोकसभा राज्यसभा ने पास कर दिया है, ये जाएगा प्रेसिडेंट के पास। जब तक प्रेसिडेंट की मोहर इस बिल पे नहीं लगती है, ये लॉ या एक्ट नहीं बनेगा। इसका मतलब है ये कानून पारित नहीं होगा। सिर्फ पार्लियामेंट के पास करने से कोई भी कानून लागू नहीं होता है। जब तक प्रेसिडेंट का सिग्नेचर, प्रेसिडेंट की स्वीकृति इसमें नहीं होगी, ये कभी भी कानून नहीं बनेगा। तो यहीं पे प्रेसिडेंट का पावर होता है वीटो पावर। जो बिल प्रेसिडेंट को प्रेजेंट करा गया है, जो बिल इनके पास इनके सिग्नेचर के लिए भेजा गया है, उस बिल को ये कितने टाइम तक रख सकते हैं, क्या वापस भेज सकते हैं, क्या कंप्लीटली रिजेक्ट कर सकते हैं, कौन से इनके पावर है, प्रीवियस इंस्टेंसेस में क्या कब प्रेसिडेंट ने इस तरह का वीटो पावर यूज में लिया है, इन सब के बारे में अभी बात करते हैं। मेरा नाम संतोष है। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे little_simple_buddha के नाम से सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम से मिल जाएगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ वीटो का मतलब क्या हुआ? जैसे यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके जो 5 मेंबर्स हैं, परमानेंट मेंबर्स, उनके पास आपने सुना होगा वीटो पावर है। मतलब अगर उन्होंने, उन 5 मेंबर में से किसी एक ने भी ना बोल दिया तो वो रिजेक्ट हो जाता है जो भी प्रस्ताव लाया गया है। तो सिमिलरली प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर होने का मतलब है कि अगर उन्होंने ना बोल दिया तो वो बिल पास नहीं होगा। लेकिन प्रेसिडेंट के पास ये पावर अनलिमिटेड नहीं है। नाउ क्योंकि इंडिया में आर्टिकल 72 के अंदर प्रेसिडेंट हमारा ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे वर्क करता है, तो जनरली ये टोटली डिपेंड अपॉन द प्रेसिडेंट वी आर हैविंग। जैसे कुछ प्रेसिडेंट हमारे ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात ना मान के उसको अपने वीटो पावर में पड़े रहने दिया, अपनी पॉकेट वीटो में, जब तक वो बिल एक्सपायर नहीं हो गया या दूसरी गवर्नमेंट नहीं हो गई है। तो इट टोटली डिपेंड अपॉन द प्रेसिडेंट ऑल्सो कि वो किस तरह का पावर अपना यूज करना चाहते हैं। लेकिन जब तक उनका एक्सेंट, जब तक उनका स्वीकृति नहीं मिलेगी, तब तक वो बिल कभी भी कानून नहीं बनेगा, तब तक वो ड्राफ्ट कभी एक्ट नहीं, बिल कभी एक्ट नहीं बनेगा। हाँ, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। सो एग्जिस्टेंस वीटो पावर इसलिए दिया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बहुत सोच समझ के वीटो पावर प्रेसिडेंट को इसलिए दिया गया था कि अगर किसी भी तरह की सरकार आती है, लेजिस्लेशन होता है, तो किसी भी तरह का हेस्टी या इल कंसिडर्ड इनेक्टमेंट ना करा जाए कुछ ऐसे तरह का। देखो, बिल लाना जितना आसान है उससे, जितना मुश्किल है उससे कई गुना ज्यादा मुश्किल है उस बिल को वापस लेना। तो अगर हेस्टी में कोई बिल आ गया, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी को, माइनॉरिटी को, या किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सिटीजन को अगर किसी तरह का नुकसान पहुंचता है उस बिल से, तो आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। तो ऐसे हेस्टी या इल कंसिडर्ड डिसीजंस को कम्प्लीटली रोकने के लिए कि ऊपर जो हमारी सुप्रीम अथॉरिटी, हमारा जो फर्स्ट सिटीजन बैठा है, लेकिन ये जो वीटो पावर प्रेसिडेंट को दिया गया है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पार्लियामेंट में है, बाकी आपको यूएसए में मिलेगा, फ्रांस में मिलेगा, कनाडा में मिलेगा, लेकिन इंडियन पार्लियामेंट के अंदर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं रखा गया है। तो देखते हैं कौन से वीटो पावर्स हैं अवेलेबल हैं। तो प्रेसिडेंट, क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, आपको ये पता है, हमने पहले सेपरेशन ऑफ पावर का जब क्वेश्चन करा था एक क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज के अंदर। अच्छा, ऑल्सो इफ यू आर नॉट वॉचिंग द यूपीएससी आंसर राइटिंग, अगर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम, तो लेट मी जस्ट टेल यू कि वो सिर्फ क्वेश्चंस आंसर्स नहीं है, देयर इज वी अंडरस्टैंड द होल टॉपिक। तो हमने सेपरेशन ऑफ पावर का एक टॉपिक पढ़ा था उसमें बहुत रिसेंटली, तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। नाउ बीइंग अ पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव,
वो इनिशिएट करते हैं और लेजिस्लेशन, और लेजिस्लेशन के जो कंडक्ट होते हैं उनको फॉलोअप भी करते हैं. तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एज आई सेड, ही वर्क्स ऑन द एक्ट एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ये लेजिस्लेचर की जो एग्जीक्यूटिव पोर्शन है उसका एक पोर्शन है. नाउ जब प्रेसिडेंट के पास कोई बिल आता है, एक्सेप्ट मनी बिल, ऑल्सो वी हैव डन द डिफरेंस बिटवीन द मनी बिल एंड द फाइनेंस बिल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. तो मनी बिल, मैंने उस वीडियो में भी हमने डिस्कस करा था कि मनी बिल एक ऐसा बिल है जो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के साथ जाता है, प्रेसिडेंट उसको हाँ करता है, तब वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट होता है. तो देर इज नो चांस प्रेसिडेंट उसको वापस नहीं भेज सकता रिकंसिडरेशन के लिए. देखो तीन बातें होती है, या तो आप एक्सेप्ट कर लो, या आप रिजेक्ट कर लो, या आप रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज दो, और चौथा अदर ऑप्शन है कि उसको मेरे पास पड़े रहने दूंगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा उसका. तो मनी बिल एक ऐसा बिल है जिसको प्रेसिडेंट कभी भी रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते, क्योंकि वो उनकी परमिशन के साथ आया है. नाउ और इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन भी एक ऐसा अमेंडमेंट बिल होता है जो अगर स्पेशल मेजोरिटी से पास हो गया है तो फिर ही इज बाउंड टू गिव हिज एसेंट, वो उनको देना ही पड़ेगा अगर स्पेशल मेजोरिटी ने कॉन्स्टिट्यूशन बिल को परमिट कर दिया. नाउ देखो क्वेश्चन ये आता है कि क्यों, व्हाई डज प्रेसिडेंट हैव टू गिव. देखो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल एक ऐसा बिल है जिसमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है, दैट इज द स्पेशल टू थर्ड मेजोरिटी. नाउ स्पेशल टू थर्ड मेजोरिटी के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल है, अंतर समझने की कोशिश करो, प्रेसिडेंट हमारे फर्स्ट सिटीजन है, लेकिन प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली इलेक्टेड है हमारे, राइट? उनको हमारे एमपीज ने इलेक्ट करा है, लेकिन एमपीज को किसने इलेक्ट करा, द पीपल ऑफ द कंट्री ने. तो एमपीज हैव अ हायर पावर, मतलब यू नो दे आर रिप्रेजेंटिंग द कंट्री. तो अगर वहां से रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंट्री से स्पेशल मेजोरिटी से कोई बिल पास होके आया है तो प्रेसिडेंट उसको ना नहीं करेंगे. यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है. ओके लेट्स कम टू द वीटो पावर. तो वीटो पावर में हमारे पास एब्सोल्यूट वीटो पावर है, क्वालिफाइड वीटो पावर है, सस्पेंसिव एंड पॉकेट वीटो पावर है. चारों को एक एक करके पढ़ते हैं. सबसे पहले है एब्सोल्यूट. एब्सोल्यूट का मतलब होता है एकदम, मतलब हम बोलते हैं ना कि एब्सोल्यूटली ट्रू, तो दिस एब्सोल्यूटली मतलब एकदम. तो इसमें क्या कर सकते हैं कि प्रेसिडेंट अपना जो एसेंट है उसको ऑल टुगेदर विदहोल्ड कर सकते हैं. ही विल नॉट गिव, विल जस्ट विदहोल्ड फॉर अ मोमेंट. तो उसमें वो बिल खत्म हो जाएगा, दूसरी गवर्नमेंट आ जाएगी, वो बिल चेंज कर देंगे, और वो जो बिल है जो प्रेसिडेंट, जो पार्लियामेंट ने प्रेसिडेंट को भेजा था, वो कभी एक्ट नहीं बनेगा. समझने की कोशिश करो, प्रेसिडेंट के पास बिल आया, प्रेसिडेंट ने उसको पड़े रहने दिया, कुछ भी नहीं करा, दैट इज योर एब्सोल्यूट वीटो. नाउ प्रेसिडेंट एब्सोल्यूट वीटो दो इंस्टेंसेस में यूज करते हैं. पहला, अगर प्राइवेट मेंबर का बिल होता है तो. क्यों? क्योंकि प्राइवेट मेंबर इज नॉट ए पार्ट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ओके, सिंपल है. नाउ और दूसरा, जब लोकसभा, इन द केस जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है आफ्टर पासिंग ऑफ द बिल, बिल को पास करा, लोकसभा डिसॉल्व हो गई है, लेकिन प्रेसिडेंट ने अभी उनका एक्शन नहीं दिया है, ठीक है, और जो न्यूली इलेक्टेड कैबिनेट आई है उन्होंने प्रेसिडेंट को एडवाइस कर दिया है कि आप बिल नहीं प्रेजेंट करोगे. ओके, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है, अंडरस्टैंड इट लाइक अभी एक गवर्नमेंट है, एक गवर्नमेंट ने एक बिल है जो भेज दिया प्रेसिडेंट को कि इसको पास करो. उसी ड्यूरेशन के अंदर ये जो है डिसॉल्व हो गई, इसकी जगह दूसरी गवर्नमेंट आ गई बी, और बी ने प्रेसिडेंट को बोला कि नहीं सर, आप इस बिल को पास मत करिए, इसको आप दिस डोंट गिव योर परमिशन, डोंट गिव योर एसेंट टू दिस बिल. तो ये वाला जो यहाँ पे है, ये दिस इज वेयर ही यूजेस द एब्सोल्यूट वीटो, उसको पड़ा रहने देगा. जैसे 1954 के अंदर हमारे जो राजेंद्र प्रसाद जी थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट हमारे, इन्होंने पेप्सू करके एक अप्रोप्रिएशन बिल आया था, इस पे इन्होंने, आई थिंक ये पोस्ट के लिए था, तो उस पे उन्होंने अपना असेंट विदहोल्ड कर लिया था, और ड्यू टाइम वो फिर बाद में कैंसिल हो गया था. इसी तरीके से 1991 के अंदर आर वेंकटरमन सर ने अपना सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशन का जो एमपीज का बिल था उस पे उन्होंने अपना जो एसेंट है वो विदहोल्ड कर लिया था, और ये बिल उन्होंने पास करा लास्ट डे बिफोर लोकसभा डिसॉल्व होने वाली थी, और विदाउट एनी प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है. तो इसलिए ये यहाँ पे वेंकटरमन जी ने उसको बिल को विदहोल्ड कर लिया था कि मेरी परमिशन नहीं थी, लोकसभा डिसॉल्व होने के जस्ट एक दिन पहले आप बिल पास करने की कोशिश कर रहे हो, एंड दैट इज लाइक इट साउंड्स अ लिटिल शेडी. तो उन्होंने बिल को पास नहीं करा था. सेकंड होता है क्वालिफाइड वीटो. अंडरस्टैंड, क्वालिफाइड वीटो इंडिया में नहीं है. इसमें क्या होता है,
प्रेसिडेंट के पास बिल आया. एग्जाम्पल से समझो, लुक हियर इफ यू कैन सी इट, आई होप यू कैन सी इट. सो प्रेसिडेंट जो बिडेन के पास एक बिल आया और उन्होंने उस बिल को विदहोल्ड कर लिया और उन्होंने अपना किसी भी तरह का एसेंट नहीं दिया. उन्होंने 10 दिन के अंदर उस बिल को कांग्रेस के पास, जो उनके लेजिस्लेचर है, कांग्रेस के पास भेजा. तो अगर वो बिल वापस उस कांग्रेस ने 2/3 majority के साथ पास कर दिया तो उनको एसेंट देना ही पड़ेगा. ये है क्वालिफाइड. क्वालिफाइड का मतलब है कि आपने रिकंसिडरेशन के लिए भेजा, आपने बोला कि मैं नहीं दूंगा, लेकिन अगर स्पेशल मेजोरिटी से पास हो गया है, दैट इज ओवररिडन बाय स्पेशल मेजोरिटी, तो यू विल हैव टू गिव द एसेंट. नाउ क्वालिफाइड वीटो जो है ये काफी पावरफुल इंस्ट्रूमेंट होता है, स्पेशली जहां पे सेपरेशन ऑफ पावर क्लियरली एंड क्लियर एंड डिस्टिंक्टिव होता है. नाउ इसमें आप देखो एग्जीक्यूटिव, ओके, हमने यूएसए प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम में डिफरेंस भी करा है. पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारा बिल्कुल अलग है, जहां पे एग्जीक्यूटिव और हमारी जो लेजिस्लेचर है वो इंटरवीन्ड है. यूएसए के अंदर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों डिफरेंट है. एग्जीक्यूटिव जो है वो है प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेचर है कांग्रेस. कांग्रेस ने अगर कोई बिल पास करा है, देखो सिस्टम उधर भी वही है, बिल पास होगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट उसको अप्रूव करेंगे, तब वो एक्ट बनेगा. लेकिन जो लेजिस्लेचर है, जो बिल्कुल सेपरेट है, कांग्रेस है, उन्होंने कोई बिल पास करा, प्रेसिडेंट के पास गया, प्रेसिडेंट ने बोला नहीं आई विल नॉट, देन द बिल विल गो बैक टू द लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर ने अभी अगर 2/3 majority से पास कर दिया है तो प्रेसिडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है रेदर देन टू अप्रूविंग द बिल. ओके, सो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव के पास कंप्लीट ओवर कंट्रोल नहीं है लेजिस्लेचर का, वो बिल्कुल उसको बिल्कुल ही मना कर दे क्या. तो इंडिया में ये वाला मैकेनिज्म नहीं है, क्योंकि हमारी लेजिस्लेचर और जो एग्जीक्यूटिव है वो इंटरवीन्ड है. दिस इज क्वालिफाइड वीटो. सस्पेंसिव वीटो है जो फ्रांस और इंडिया में होती है, ये सिंपल मेजोरिटी से ओवररिडन करी जा सकती है. यहाँ पे देखो क्वालिफाइड वीटो स्पेशल मेजोरिटी से ओवररिडन हो रही है, फाइंड दैट डिफरेंस. ओके, और सस्पेंसिव वीटो जो है ये सिंपल मेजोरिटी से ओवररिडन करी जा सकती है. एक बार मानो हमारे प्रेसिडेंट के पास बिल आया, प्रेसिडेंट सर ने बोला कि ओके आई एम नॉट ओके विद सम क्लॉज ऑफ दिस बिल, हम इसको रिकंसिडरेशन के लिए भेजेंगे, द बिल विल गो टू द रिकंसिडरेशन, पार्लियामेंट में जाएगा रिकंसिडरेशन के साथ. उस रिकंसिडरेशन के अंदर अगर उस बिल को वापस सिंपल मेजोरिटी से पास कर दिया गया तो प्रेसिडेंट को उसका असेंट देना पड़ेगा. समझ आया आपको? क्वालिफाइड में स्पेशल मेजोरिटी थी, सस्पेंसिव में सिंपल मेजोरिटी से अगर रिकंसिडरेशन वापस आ गया तो अभी आपको देना पड़ेगा. अब आप इसके साथ कुछ भी गड़बड़ नहीं कर सकते. अच्छा, ऑल्सो बताया मैंने आपको कि मनी बिल एक ऐसा बिल है जिसको रिकंसिडरेशन के लिए वापस नहीं भेजा जा सकता, और प्रेसिडेंट ना ही उस बिल को रख सकता है ना ही उसको, देखो रिजेक्ट तो मनी बिल होता ही नहीं है क्योंकि प्रेसिडेंट अपनी परमिशन के रिकंसिडरेशन रिकमेंडेशन के साथ उसको सेंड करता है. ओके, सो लास्ट वीटो है हमारा पॉकेट वीटो. पॉकेट वीटो में क्या होता है, हमने कोई चीज पॉकेट में रख ली, हम एकदम मुंह पे उंगली रख के चुप हो गए, ठीक है. तो इसमें क्या होता है कि प्रेसिडेंट ने बिल अपने टेबल पे रख लिया, अब प्रेसिडेंट उस पर ना हाँ करेंगे ना करेंगे और ना उसको वापस भेजेंगे, पड़ा है, हाँ देखता हूँ, हाँ करता हूँ. पॉकेट वीटो जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के अंदर नहीं है. मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अगर प्रेसिडेंट के पास आया है तो उसको टेबल पे रख के वो आराम नहीं कर सकते, यू हैव टू गिव एक्शन, ठीक है. तो प्रेसिडेंट इसमें क्या करेगा कि ही विल नॉट नीदर गिव एक्शन, ना हाँ बोली है, ना मैंने रिकंसिडरेशन के लिए वापस बोला है और ना मैंने रिजेक्ट करा है, बस पड़ा है. पॉकेट वीटो इस चीज का इंडिकेशन होता है कि जब टाइम होगा तो इसे बाहर निकाला जाएगा या फिर समय के साथ ये मुद्दा अपने आप चला जाएगा और वो बिल इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा. तो यहाँ पे इंडिया के अंदर ये प्रेसिडेंट के द्वारा एक्सरसाइज होता है, एज कॉन्स्टिट्यूशन ना कोई टाइम डिस्क्राइब नहीं करता है. देखो यूएसए के अंदर ये चीज डिस्क्राइब है, अगर 10 दिन के अंदर, लिसन दिस वेरी केयरफुली, यूएसए के अंदर अगर विद इन 10 days 10 दिन का टाइम होता है, कांग्रेस से बिल आया प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट ने अगर 10 दिन में उस बिल को असेंट नहीं दिया या रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेजा तो ऑटोमेटिकली वो बिल पास माना जाएगा कि हाँ पास हो गया, बिना उनके सिग्नेचर के वो बिल पास हो जाएगा. इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में कोई टाइम लिमिट नहीं है, 10 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना कोई टाइम लिमिट नहीं है. अनलिमिटेड टाइम के लिए प्रेसिडेंट उस बिल को अपने टेबल पे रख सकते हैं जब तक उनको सही ना लगे. तो ये हमारा है कि इसमें ऐसा हेस्टी डिसीजन नहीं है कि एज सून एज दे हैव टू सेंड और समथिंग लाइक दैट. तो ये स्टेट लेजिस्लेशन में भी अवेलेबल है.
नाउ आर्टिकल 111 आर्टिकल 111 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इट ओनली स्टेट्स दैट इफ प्रेसिडेंट नीड टू सेंड द बिल फॉर रिकंसिडरेशन ही नीड टू डू एज सून एज पॉसिबल वंस द बिल इज प्रेजेंटेड टू हिम. इसमें ये देखो बड़ा टेक्निकल है कि ऐसा नहीं है कि आपने अपने टेबल पे बिल रख लिया और उसके 2 महीने बाद आप इस बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेज रहे हो, तो ये नहीं पॉसिबल होगा. अगर आपको रिकंसिडरेशन के लिए भेजना है तो यू हैव टू डू इट एज सून एज पॉसिबल एंड इट इज रिटन इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, एज सून एज पॉसिबल लिखा है, कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं लिखा है. तो यहाँ पे ये जनरली कन्वेंशन के साथ होता है कि जैसे ही बिल आया, उस पर डिस्कशन हुआ, उसको फिर भेज दिया जाता है. तो दिस इज वेरी लाइक जनरल थिंग विच वर्क्स. तो ये थे हमारे वीटोज, 4 वीटो है हमारे, राइट. तो हमारे पास इंडियन प्रेसिडेंट के पास कौन सा वीटो नहीं है, क्वालिफाइड वीटो हमारे पास नहीं है. ओके, सो इसमें देखो कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे कि जो प्रेसिडेंट जेल सिंह सर थे 1986 के अंदर, उन्होंने इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल आया था राजीव गांधी गवर्नमेंट के द्वारा, तो उस बिल में प्रेस की फ्रीडम पे रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे थे. तो अब प्रेसिडेंट सर ने उस बिल को टेबल पे रखे रहने दिया, उसको कुछ नहीं करा, पॉकेट वीटो यूज लिया था. तो दिस इज हाउ द प्रेसिडेंट यूजेस हिज पावर ऑफ द वीटो. तो ये मैंने आपको बताया था कि यूएस प्रेसिडेंट के पास 10 दिन का विंडो होता है, अगर नहीं भेजा तो ऑटोमेटिकली वो बिल पास हो जाता है. एंड दिस वॉज अबाउट द वीटोज. आई होप आपको अभी वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट क्लियर हो गया होगा, एंड आई होप कि वीडियो थोड़ा लेंदी ना बन गया हो. ऑल्सो इस वीडियो का PDF आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना. एंड दिस इज इट, आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बी हैप्पी. जय हिंद.